महात्मा गांधी ने कहा था, हथकरघा उद्योग मूल भारत के ग्राम रूपी सौंदर्य का सूरज है। ऐसी ही एक स्वयं सेवी संस्था है ऋषिकेश की भारतीय ग्राम उत्थान संस्था। यहाँ ज्यादातर ऋषिकेश के स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान कर स्वावलंबी बनाने के लिए सरकार पूरी तरह से तत्पर है। भारतीय ग्राम उत्थान संस्था ऋषिकेश की खूबसूरत वादियों में स्थित एक बहुआयामी संगठन है, जिसका उद्देश्य यहाँ के पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों का विकास करना और वहाँ रहने वाले लोगों में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना है। मेरा नाम अनिल है और मैं भारतीय ग्राम उत्थान संस्था में एज इंचार्ज काम कर रहा हूँ। हमारी जो ये संस्था है, ये इसको 24 साल पूरे हो रखे हैं और हम 24 साल से रूरल डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं। इसका जो इस संस्था का मेन उद्देश्य है वो हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते हम काफ़ी लोगों को रोजगार के माध्यम से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। यह संस्था गढ़वाल मंडल के टिहरी, पौड़ी, देहरादून, हरिद्वार, चमोली जैसे जिलों में सफलतापूर्वक काम कर रही है और यह संस्था राज्य के बाकी क्षेत्रों में भी काफी तेजी से लोकप्रिय हो रही है। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए यह संगठन स्थानीय कच्चे माल पर आधारित रोजगार पर ज्यादा जोर देता है। टिकाऊ हस्तशिल्प कला, हथकरघा, हैंडलूम, जूट, कपास, ऊन और कालीन इसके महत्वपूर्ण उत्पाद हैं। संस्था के उत्पादों में ज्यादातर हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट की चीजें आती हैं, जिनसे शॉल, ब्लेजर, मफलर, बेडशीट, चादर और गृह सज्जा की वस्तुएं आती हैं। इसके अलावा हमारे पास जूट प्रोडक्ट है, हमारे पास लोकल फाइबर प्रोडक्ट है। जूट में भी हमारे पास नेशनल जूट बोर्ड के माध्यम से भारत सरकार और वस्त्र मंत्रालय के सहयोग से हम पूरे 7 जिलों में काम कर रहे हैं गढ़वाल मंडल के। इसमें हमारे पास 4 प्रोटोटाइप हैं। पहला प्रोटोटाइप हमारे पास जूट ब्रेडेड वर्क है, दूसरा प्रोटोटाइप हमारे पास बैग स्टिचिंग है, जूट बैग स्टिचिंग, तीसरा प्रोटोटाइप हमारे पास जूट स्लीपर्स हैं और चौथा प्रोटोटाइप हमारे पास ऑर्नामेंट्स हैं। नाबार्ड के सहयोग से करीब 200 स्वयं सेवक समूह संस्था के अंतर्गत आते हैं और करीब 2000 महिलाएं यहाँ पर सफलतापूर्वक काम कर रही हैं। मूल रूप से इस संस्था में ऊनी कपड़ों का उत्पादन होता है, पर यहाँ इसके अलावा भी कई उत्पाद हैं, जैसे बांस की टोकरी, गमले, डमरू, जूट के बैग, टिफिन बैग, फाइल कवर, पर्स, हैंडबैग, टेबल और डोरमैट, पान बैग, शॉपिंग बैग, फल बैग, जूते चप्पल, लेटर होल्डर, मोबाइल कवर, टीवी कवर, वॉल हैंगिंग, कालीन, किराना, सीनरी आदि। अपर रोड धालवाला स्थित भारतीय ग्रामोत्थान संस्था उत्तराखंड की पहली यूनिट है। उत्पादों की बिक्री के लिए इस संस्था का प्रमुख केंद्र ऋषिकेश के राम झूला बाजार में उत्तराखंड एम्पोरियम के नाम से स्थित है। इस संगठन में और भी कई प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जैसे सामान्य सुविधा केंद्र, डिजाइन एवं तकनीकी विकास कार्यशाला, जूट सर्विस सेंटर, जूट कच्चा माल बैंक, महिला एवं सामुदायिक सशक्तिकरण परियोजना, व्यापार परामर्श तथा विपणन केंद्र, स्वयं सहायता समूह प्रशिक्षण, पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम, रोड सुरक्षा परिवहन कार्यक्रम, विशेष इंटर्नशिप कार्यक्रम, माइक्रो जीवन बीमा पॉलिसी, प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र, स्ट्रीट वॉयेज रिहैबिलिटेशन, पंचायती राज जागरूकता शिविर, बुनकर कल्याण कार्यक्रम, स्वरोजगार संबंधी व्यवसायिक पाठ्यक्रम आदि। प्रति वर्ष हजारों लोग इस संस्था से जुड़कर अलग अलग स्तर पर ट्रेनिंग लेते हुए संस्था द्वारा दिए गए सुविधाओं का लाभ उठाते हैं। हमारे पास इसमें लोकल फाइबर बेस्ड प्रोग्राम है। लोकल फाइबर बेस्ड में हमारे यहाँ का जो भीमल एक लोकल फाइबर होता है, जिसका बॉटनिकल नेम ग्रेजो ऑक्टिवा है, उस पर हम फोकसली काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के तहत कार्यालय विकास हस्तशिल्प के माध्यम से संस्था को एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर पिछले 2 सालों में मिला हुआ है और उसमें हम एक काम में सक्सेस रूप से काम कर रहे हैं कि जो लोकल जो यहाँ के भेड़ पालक रहे हैं, उनकी जो ऊन होती थी जो पहले लुधियाना या पानीपत में जाते थे, अब वो यहीं पे काम कराने लग गए हैं और उनको एक मटेरियल, एक रॉ मटेरियल भी अच्छी मात्रा में उपलब्ध होने लग गया है।
इस संस्था के होने से यहाँ के भेड़ पालकों को कार्डिंग, गिलिंग और वीविंग के लिए दूर दराज के क्षेत्रों में नहीं जाना पड़ता। उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए यहाँ एक फिनिशिंग यूनिट एवं एक टेस्टिंग लैब भी है, जहाँ उत्पादों की गुणवत्ता जांच करने के बाद इन्हें बिक्री के लिए जगह जगह मार्केट में भेजा जाता है। विमल फाइबर, हरसीन और धनसाजी ऊन, ट्विसिट फेदर यहाँ के प्रमुख उत्पादों में से हैं। यहाँ के ऊन से बने ग्लोवर्स की मांग उत्पादन से कहीं अधिक रहती है। फिनिशिंग यूनिट में यहाँ के उत्पाद कच्चे माल के रूप में विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरते हैं। यहाँ बनाए गए कपड़े देखने में भले ही काफी मुलायम, आरामदायक व खूबसूरत लगते हों, पर इन्हें बनाने के लिए काफी मेहनत व समय लगता है। तकनीक व मशीनों के सहारे धागे व ऊन बनाने की प्रक्रिया कई चरणों से गुजरती है। मुख्य रूप से यह प्रक्रिया 8 चरणों में पूरी की जाती है: डस्टिंग, विलोइंग, कार्डिंग, गिलिंग, स्पिनिंग, ट्विस्टिंग और वाइंडिंग, बाइंडिंग, वार्पिंग और वीविंग। पहली प्रक्रिया डस्टिंग होती है, जिसमें डस्टर मशीन की सहायता से भेड़ के कच्चे ऊन की पहली सफाई की जाती है। इस चरण में मुख्यतः ऊन से धूल मिट्टी हटाई जाती है। उसके बाद आता है विलोइंग। विलो मशीन में मेटल के ब्रश वाले रोलर से ऊन को सुलझाने की प्रक्रिया को हम विलोइंग कहते हैं, जिससे ऊन थोड़ा मुलायम फाइबर में बदल जाता है। कार्डिंग चरण में कार्डिंग मशीन के द्वारा ऊन को रोलर्स की सहायता से पूरी तरह सुलझाते हैं और ऊन के मुलायम रोल्स बनाते हैं। गिलिंग में ऊन को 4 मशीनों से निकालते हुए और ज्यादा सुलझाने की कोशिश की जाती है, जिससे इसके फाइबर्स बिल्कुल अलग अलग हो जाएं। इन 4 मशीनों में आते हैं गिलबॉक 2x2, गिलबॉक 4x4, बॉबनर बी हेड और बॉबनर 36। एक मशीन से दूसरे मशीन होते हुए ऊन और भी पतला होता जाता है। गिलिंग प्रक्रिया से निकले ऊन के रूप को टॉफ कहते हैं। अगले चरण स्पिनिंग का इस्तेमाल धागा बनाने के लिए होता है। स्पिनिंग मशीन टॉफ को खींचकर घुमाते हुए उसे मजबूत धागे का रूप देती है। इस तरह मुलायम टॉफ मजबूत धागे में बदल जाता है। ट्विस्टिंग और वाइंडिंग प्रक्रिया में मशीनों की सहायता से धागों के रोल तैयार किए जाते हैं। अगले चरण में बाइंडिंग होती है। यह ऊन को रील में बांधने की अंतिम प्रक्रिया होती है। कोन बाइंडर मशीन और चीज बाइंडर मशीन अंतिम 2 मशीन होते हैं, जो ऊन के रोल बनाने का काम पूरा करते हैं। अंतिम चरण है वार्पिंग और वीविंग। इस चरण में अब तक बनाए गए धागों या ऊन को हाथों या मशीनों की सहायता से बुनकर कपड़े में ढालना होता है। एक एक धागे को सही जगह व सही रंग के साथ सजाना सारी प्रक्रियाओं में सबसे अहम और कठिन होता है। वीविंग से धागे और ऊन के रोल कपड़े के टुकड़ों में बदल जाते हैं, जो कि 2 सेट धागों से बनता है। भारतीय ग्राम उत्थान संस्था एक ऐसी संस्था है जो न सिर्फ ऋषिकेश के स्थायी लोगों को स्वावलंबी बना रही है, बल्कि अपने उच्च गुणवत्ता के उत्पादों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में लोकप्रिय भी कर रही है। लोग यहाँ के उत्पादों को पसंद करते हैं व इसी लोकप्रियता की वजह से इनकी मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है। भारतीय ग्राम उत्थान संस्था, ग्राम उत्थान भवन, अपर रोड, ढालवाला, पोस्ट मुनि की रेती, कैलाश गेट, ऋषिकेश, जिला टिहरी गढ़वाल, उत्तरांचल। और जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9411392967, लैंडलाइन नंबर 0135-2433-658 या 2416496। आप ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी है contact@bgsuttarakhand.com। Off the Dodge to the Minar of Kutu to the Kumari of Kanya. Be a rebel! Be a rebel! To the Maha.
mahal of the Taj. To the minar of Kutub. To the kumari of Kanya. आंटी को भी खिला दो. अरे हम जो हमें जो खिलाते हैं. यस चलो ठीक है गुड. भूख लगी थी तो हमारे बच्चों को यहाँ पे मैंने सारा बताया. उसके बाद यहाँ की जो लोकल मिठाई गढ़वाली मिठाई वो उन्होंने खिलाई. हमारे बच्चे खा रहे हैं बड़े मज़े. बहुत 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 मज़ा आया. बहुत लजीज. बहुत 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 आप सबके लिए भी. आप सबके लिए भी. हाँ ये देखो ये कह रहा है आप सबके लिए भी. लड्डू भी मेरे पास. और खुद खा ले. ये शूटिंग बहुत यादगार रहने वाली है. अपनी तो पाठशाला मस्ती की पाठशाला. अपनी तो